हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो फ़ोन दिख रहा है ये है रेडमी नोट 3, 3 GB 32 GB का वेरिएंट है। आप सोच रहे हो ये अभी 2020 में रेडमी नोट 3 लेके क्या कर रहा है, ये अभी तो रेडमी नोट 9 भी आ गया है, 8 भी आ गया, तो अभी तक तो ये रेडमी नोट 3 का क्या कर रहा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो इसमें क्यों ना पबजी खेला जाए। वैसे मैंने इसमें जब पबजी खेला है, जब पबजी काफ़ी न्यू था तो उस समय मैंने पबजी खेला था, उस समय केवल एक रैंगल मैप आता था और पबजी का साइज़ भी काफ़ी कम था, 1 GB के आसपास इसकी साइज़ थी। बट मैंने इसमें पबजी खेली है, उस समय मुझे जहाँ तक ध्यान है ये लो ग्राफिक्स में इसमें चलती थी, लेकिन चलती बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी के समय में क्या इसमें पबजी चल सकता है या नहीं चल सकता, इसको चेक करने के लिए मैं अभी इसमें पबजी डाउनलोड करूँगा। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो स्क्रीन है ये फुल HD स्क्रीन है, 5.5 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। बैटरी आपकी 4050 mAh की बैटरी मिल जाएगी। क्वालकॉम का 650 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अभी भी आप जो भी 10,000-12,000 के रेंज में जो फ़ोन लोगे तो उसमें लगभग इसी टाइप का आपको प्रोसेसर मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो डिमांड है ऑनलाइन में तो ये आपको अब मिलेगा नहीं, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है काफ़ी समय पहले। लेकिन अभी भी सेकेंड हैंड आपको अगर पुराना फ़ोन किसी को लेना है और उसको थोड़ा तगड़ा प्रोसेसर का फ़ोन चाहिए, तो अभी भी आप फ्लिपकार्ट का जो एक टूगुड.कॉम है वहाँ पर आप जाओगे तो इस फ़ोन को आप 6,500 में खरीद सकते हो, क्योंकि टूगुड.कॉम आपका उस पुरानी फ़ोन सी सेल करते हैं। उसके अलावा आप अपने नज़दीकी किसी भी मोबाइल शॉप में जाओगे तो वहाँ भी आपको फ़ोन मिल जाएगा। ये फ़ोन की खासियत है, ये आराम से मिल जाएगी। सेकेंड हैंड में भी अभी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। ओवरऑल मेरे को ये 4 साल ये फ़ोन हो चुका है, 4 साल में मैंने बस एक बार इसकी बैटरी को चेंज करवाया, जो कि मैंने सर्विस सेंटर से करवाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिला है, बैटरी में कोई इशू नहीं आ रही है। तो वो सब तो बात हुई है, लेकिन अब मैं चेक करूँगा क्या पबजी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि पबजी का साइज अभी के समय में 2 GB हो नॉर्मल होती है, उसके बाद उसमें से सारे मैप्स को डाउनलोड कर लोगे तो अप्रोक्स वो 4-4.5 GB की हो जाती है गेम्स। तो क्या अभी के समय में मैं इसमें केवल सिंगल एरेंगल मैप जो प्री इंस्टॉल होता है मैं उसे डाउनलोड करके खेलूंगा, चेक करूंगा कि यह इसमें पबजी चलता है कैसा है, क्योंकि अभी भी इसकी सेकेंड हैंड डिमांड हैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आपके फ्रेंड में या किसी को लेना होगा इस सेकेंड हैंड फ़ोन इसको, और 2020 में सोचें क्या इसमें पबजी चल सकता है या नहीं चल सकता, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वैसे जो भी आपके फ्रेंड हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। अभी भी देखिए यहाँ पर पबजी की जो साइज दिख रही थी 1.8 MB की थी, 8 GB की थी सॉरी। तो चलिए अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोडिंग का काम मैं यहाँ से कट करता हूँ, अब मैं सीधे आपसे मिलता हूँ मैच में इसमें डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है, गेम स्टार्ट होने में तो मुझे बहुत टाइम लगा, लगभग 5 मिनट तो आराम से मुझे लग गया। चलो गेम स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफिक्स देखना चाहूँगा कि क्या ग्राफिक्स पे अभी ये गेम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इस दिख रहा होगा कि ये स्मूथ का मात्र मीडियम तक ही गया, हाई तक भी चला जाता है, बैलेंस में भी मीडियम तक जाता है। HD ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस डिवाइस के लिए, तो आप इसमें अगर पबजी खेलना चाहते हैं तो आप स्मूथ में मीडियम और हाई तक खेल सकते, तो मैं यहाँ पे मीडियम पे ही रखता हूँ। और जहाँ तक फ़ोन देखूँ तो फ़ोन मुझे अभी से ही पीछे इस जगह पर, यहाँ पे इसके प्रोसेसिंग यूनिट है तो इस जगह पे हीट हो गया है, तो वो तो हीट होते ही रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अब गेम स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं गेम स्टार्ट करता हूँ एडेंगल में। यहाँ पर हीट होनी तो नहीं चाहिए, AC भी ऑन है घर का रूम का, बट हीट नहीं होनी चाहिए, फिर भी हीट हो रही है। तो ये जनरल टेम्परेचर में तो और ज़्यादा हीट हो गया, जनरल रूम टेम्परेचर में। तो यहाँ पर देखते हैं गेम स्टार्ट होने का थोड़ा समय लग रहा है, लगभग 19 सेकंड का समय लगेगा, तो चलिए गेम स्टार्ट होने का वेट करते हैं। तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, गेम में कोई बंदे दिख नहीं रहे हैं, आई थिंक लॉबी में अभी तक कोई आए नहीं, 52 बंदे ही आए हैं। गेम अभी तक तो मुझे ठीक लग देखने में लग रहा है, मैं दाएं बाएं भी हो रहा हूँ तो किसी प्रकार का कोई वैसा लग नहीं रहा कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, फ्रेम नहीं आ रहा है,
अब ये तो मैं एक बार मैच खेलूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोई ज़्यादा होता है कि नहीं, क्योंकि जब फ्लाइट पे आप ऊपर से नीचे जंप करते हो तो उस समय एग्जैक्ट टेस्टिंग होती है ग्राफिक्स की। अगर आप ऊपर से जंप कर रहे हो और उसके बाद आपका ग्रास हो गया, मकान हो गई, वो सब रेंडर ही नहीं होते जब तक आप एकदम ज़मीन के करीब ना जाओ, तो वहाँ पर ज़्यादा टेस्ट होते। तो मैं यहाँ पर फ्लाइट पर आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पर नज़दीकी लैंड कर जाता हूँ। यहाँ फ्लाइट आने दीजिए, यहाँ पर फ्लाइट आ रहा है। ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हैं कैसी है, यहाँ पर सिंगल स्पीकर है तो ऑडियो कुछ खास अवेलेबल आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पर आपकी इसके स्पीकर पीछे है, बैक के साइड है। चलिए यहाँ पर मेरे को जंप बटन मिल आते के साथ ही मैं जंप करूँगा, तो मैं यहाँ पर जंप कर गया। यहाँ पर आप नीचे मकान पे आप फोकस कीजिएगा, ये जो मकान है ये देखिए कब सही से रेंडर होता है। मैं इसके पास जाने के बाद आपको तब, अभी देखिए आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, पेड़ पता ही नहीं चल रहे हैं आपको, माउंटेन पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा, यहाँ तक कि सड़क भी रेंडर नहीं हुआ है। अब देखिए कब होता है, मैं यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट एकदम जब नीचे पहुँच गया अभी भी मकान यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो ग्राफिक्स के मामले में काफ़ी वीक यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रही है फिलहाल, फिर भी गेम किसी, यहाँ पर देखिए एक फ्रेम ड्रॉप हुआ, मैंने जंप किया, इसका एनिमेशन मुझे मिस होते हुए दिखा। और मैं आगे मैं गेम में जाता हूँ, यहाँ पर मैं बैग उठाया, तो मैं अभी यहाँ पर गेम को जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ मैच के अंत में, ताकि आपको बताऊँगा कि कैसा परफॉर्मेंस मुझे इस गेम में मिला। तब तक के लिए आप मैच का इंजॉय करें, इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाता हूँ। यहाँ पर मुझे गेम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, भले ही लो ग्राफिक्स पे ये गेम चल रहा है, बट मुझे ये गेम काफ़ी अच्छे खेलने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से मैं कोई भी काम यहाँ पर कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखें मैंने प्लेयर को मारा, लूट किया, कोई भी वैसा स्क्रीन टच रिस्पॉन्स भी इस फ़ोन का काफ़ी मुझे अच्छा मिल रहा है। और जहाँ तक हीटिंग की बात है, बस गेम स्टार्टिंग में जो हीटिंग थी वही हीटिंग है, अभी तक कोई और ज़्यादा हीटिंग इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो अगर आपको यह फ़ोन लेना है तो आप इसमें लो ग्राफिक्स में पबजी आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं यहाँ पर खेल भी रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आराम से किसी भी बिल्डिंग में जंप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर गेम को करता हूँ बंद, क्योंकि मैं यहाँ पर बस इसकी रिव्यू बनाने के लिए इस गेम को डाउनलोड किया था। तो ओवरऑल इस गेम में, इस फ़ोन में, रेडमी नोट 3 में आज भी पबजी चलता है, भले ही लो ग्राफिक्स में चलता हो लेकिन चलता ज़रूर है, और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। बस ग्राफिक्स की थोड़ी क्वालिटी मुझे वीक लगी, बट आज से 4 साल पुराना फ़ोन है और उसमें ग्राफिक्स की इतनी इशू चल सकती है। अगर आप इसे सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं तो आराम से आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। ओवर तक अगर मुझे प्राइस की बात करें तो मुझे 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा इस फ़ोन की वैल्यू अभी मार्केट में नहीं लगती है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई मेरी थॉट। और इस फ़ोन की खासियत तो पबजी चल गया, कैमरा भी ओवरऑल ठीक मिल जाएगा और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया यह रेडमी नोट 3 का एक यूनिक रिव्यू, जो कि 2020 में भी अभी तक 4 साल पुराना फ़ोन में पबजी चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसका रिव्यू काफ़ी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इसमें और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगे हो तो ज़रूर मुझे ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो दे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और किसी भी हाल में चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।